बीए एग्जामिनेशन पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध तमाल के झरोखे का अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैं आपको प्रेमचंद और भाषा समस्या तक निबंध का अध्ययन करवा चुका हूँ। यह आपके कोर्स में 10वां निबंध है, इकाई 3 के अंतर्गत यह आता है। और इस निबंध की समीक्षा से पूर्व हम पंडित विद्यानिवास मिश्र के व्यक्तित्व और उनके थोड़ा कर्तृत्व को जानकारी आवश्यक है, जो आपके परीक्षा में भूमिका के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यानिवास मिश्र ग्रामीण जीवन से उनका संबंध रहा है। अपना पूरा जीवन इन्होंने गोरखपुर जिले के पकड़ीडाह गांव में बिताया था। गोरखपुर से ही इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की थी इन्होंने, और फिर उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की प्राप्ति प्राप्त की थी। इन्होंने राहुल सांकृत्यायन और नारायण चतुर्वेदी के साथ कार्य किया। यह इस बात से पता चलता है कि कितने विद्वान आदमी हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी। इनके कृतित्व में भी पर्याप्त विविधता हमें दिखाई देती है। साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनीय व्याकरण के विश्लेषण पद्धति, रीति विज्ञान प्रभृति आलोचना ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक मौलिक व्यक्ति व्यंजक निबंध भी इन्होंने लिखे, जो छितवन की चाह, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सेल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, वसंत आ गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंठीले तारों के आर पार, कौन तो भुलवा बिननहारी, अस्मिता के लिए, और यह जो निबंध पाठ्य पुस्तक में तमाल के झरोखे, ये सारे निबंध उनके हिंदी साहित्य में बेजोड़ निबंध है। बहुत महत्वपूर्ण इनकी निबंध के क्षेत्र में ख्याति है। सामान्यतः हिंदी साहित्य में ललित निबंध को की परंपरा की एक प्रकार से शुरुआत उसकी मौलिक सृजना करने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र ही हैं, जिन्होंने निबंधों को लोक चेतना के साथ जोड़ा। ग्राम्य जीवन संबंधी इनके जो निबंध हैं सामान्यतः, उसमें उनका मनमौजी व्यक्तित्व और इनकी भ्रमणशीलता और रस ग्रहण जो शक्ति है उसमें चित्रित होती हुई दिखाई देती है। अधिकांशतः पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध ललित निबंध है, जो विचारात्मक, संस्मरणात्मक और समीक्षात्मक अधिक दिखाई देते हैं। कहीं कहीं इन्होंने सूत्रात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। सामान्यतः विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध बहुत ही तत्सम शब्दावली से युक्त हैं, जिसमें कुछ स्थानों पर तत्व और देश शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। भाषा सामान्यतः तत्सम अर्थात संस्कृत से संपन्न प्रवाहमयी भाषा है, जो एक सामान्य पाठक के लिए नहीं कही जा सकती। यह एक श्रेष्ठ ललित निबंध है तमाल का वृक्ष, जिसके बहाने से उन्होंने राधा और कृष्ण का स्मरण किया है। निबंध के अंतर्गत मिश्र जी ने सबसे पहले अपने परिचय के रूप में एक कॉलोनी का जो जिक्र किया है कि जहाँ वो 3-4 वर्षों से वे रह रहे थे, P1 गोपाल कुंज, वहाँ की सघन छाया और तमाल पर जो उनकी दृष्टि है वह कभी लेखक की नहीं गई, और इस तमाल का जो पेड़ खड़ा है उसको लेखक पहचानता तक नहीं था। किसी ने उन्हें तमाल का परिचय कराया और फिर मिश्र जी को लगा कि तमाल की छाया में रस की जो वर्षा होती है वह बादलों की वर्षा से भी अधिक सशक्त होती है। निबंध में जिस तमाल का वर्णन किया गया है उसके माध्यम से लेखक ने हमारी प्राकृतिक वातावरण का और राधा कृष्ण के प्रेम मिलन और लेखक ने अपने दीदी के साथ संबंधों का भी जिक्र किया है। तमाल के मिश्र जी साहित्य में जिस तमाल का वर्णन पड़ा उस तमाल से इस तमाल में बहुत सी समानताएं हैं। मिश्र जी के सामने तमाल के समान ही साहित्यिक तमाल की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोग तंबाकू को तमाल कहते हैं। मिश्र जी तमाल के विषय में केवल इतना ही जानते थे कि यह तंबाकू का दरखत जैसा दिखाई देता है। तमाल बहुत काला होता है। मिश्र जी के सामने तमाल वृक्ष की शाखाएं इतनी अधिक फैली हुई थी कि उसके कारण 2 मोटरें एक साथ भी नहीं निकल पाती थी, और मोटरों के ड्राइवर इस बात से परेशान रहते थे कि खाड़ी घड़ी करने पर उसके पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं। मिश्र जी ने अपने पूरे निबंध में इस तमाल वृक्ष की जो छाया, उसकी छंटाई और उसकी घनी जो छाया, उसका जिक्र उन्होंने किया है। तमाल के पत्ते सूख सूख कर गिरते हैं और
उसका जिक्र उन्होंने अपनी दीदी के बीमार जो पड़ जाती है उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ा है। गांव में इलाज की पूरी व्यवस्था न होने के कारण दीदी का जो रोग बढ़ता ही जाता है और वैद्य ने कहा कि अगर ये आज की रात बच गई तो जीवित रहेगी। लेखक ने बहुत प्रार्थना की आज सूर्यदेव नहीं निकले पर रात आई और प्रभात हुआ। मिश्र जी की दीदी अपनी बात की विफलता का यह अनुभव पहली बार हुआ। वे चाहते कि उनकी दीदी ना मरे पर वे बची नहीं। तमाल की जो डाली कम हो जाती है पर दोबारा नहीं हर जाती। इसी प्रकार मरने वाले संबंधी भी कभी लौट कर नहीं आते हैं। इसको मिश्र जी ने इसके तमाल के वृक्ष के साथ जोड़ा है। अर्थात जिस प्रकार लेखक के अनुसार तमाल की जो डाली कम हो जाती है वह दोबारा कभी वापस हरी होकर के उस पर नहीं आती है और एक प्रकार से जो उदासी होती है वह उस वृक्ष पर छा जाती है, वैसी उदासी लेखक ने अपने जीवन में अपनी दीदी के बीमार पड़ने के पश्चात जब वह वापस उठ नहीं पाई तो उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ा। लेखक के ही शब्दों में यदि हम कहें तो शुक्रवार का दिन था, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, सूरज तप रहा था, उसने सुना नहीं और ढल गया। रात आई और दीदी चली गई। जाने के पहले एक बार उसके चेहरे पर अद्भुत आभा आई, मेरा पहला एकांत और एकाग्रता विफल हो गया। उनके दीदी शब्द भी नहीं सुना जाता। वाणी की प्रार्थना की वाणी की व्यर्थता का पहला अनुभव आज ताजे घाव की तरह करकराता है। लेखक ने यहाँ पर अपनी दीदी के साथ भावात्मक संबंधों का जिक्र तमाल के वृक्ष के माध्यम से किया है। निबंध में लेखक ने प्रश्न संख्या 75 के अंतर्गत चैत चढ़ाने की मृत्यु की यंत्रणा वाली कस्तूर की उद्यम सुगंधि बनकर समस्त वातावरण को उन्मत्त कर देती है। यहाँ पर लेखक ने चैत के महीने के आरंभ होते ही जो मृत्यु का कष्ट कस्तूरी के समान सभी जगह मस्ती बिखेरता हुआ दिखाई देता है उसी का नाम बसंत है। इसका यहाँ पर जिक्र करते हुए लेखक ने कहा है कि वह बाहर और भीतर को तोड़कर भीतर की गंध जो अपार बिखर देता है। जयदेव जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं उन्होंने तमाल के इसी गुण पर अपने अनुभव व्यक्त किए। वे एक प्रकार से इस तमाल के इस गुण पर वे रींझ गए हैं, इसका जिक्र लेखक ने यहाँ पर किया है। लेखक के शब्दों में यदि हम कहें कि महाभाव के अंतर्यामी कवि जयदेव तमाल के इस वासंती गुण पर रिझे हुए हैं। कहते हैं कि कस्तूर की गंध को जबरदस्ती इनकी नई पंखुड़ियों ने अपने काबू में कर रखा है, उसका रस खींच रखा है, तभी से तमाल के फूल में निरी उन्माद गंध नहीं अनंत रस भी है। प्रश्न संख्या 75 में लेखक का यह कथन निश्चित रूप से कविदेव जयमाल के तमाल के वृक्ष के इस गुण पर रींझने से लेखक की संबोधन को प्रकट करता है। तमाल के पंखुड़ियों में बसी कस्तूरी की जो सुगंध है उस पर कवि वर जयदेव किस प्रकार रीझ जाते हैं उसका जिक्र पंडित विद्यानिवास मिश्र ने किया। निबंध में इसके पश्चात लेखक ने वसंत प्रिया प्रीतम और दोनों उद्यम आकांक्षा की ऐसी जो जोड़ी राधा और कृष्ण है उसका जिक्र इस तमाल के माध्यम से किया है। राधा कृष्ण से कहती है कि मेरे अंग अंग में तुम्हारे शरीर की श्यामलता समा जाए। वे कृष्ण से अपनी चोटी को धुवाना चाहती है। मिलन का सुख ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह विरह की तड़फन बन जाए। मिलन अल्पकालिक नहीं वह स्थायित्व होना चाहिए, अधिक समय का होना चाहिए। और जो लोग इस को नहीं जानते, लेखक के अनुसार जयदेव को जो गीत गोविंद संयोग श्रृंगार का ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, तभी वे इस संयोग श्रृंगार के रस को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जयदेव का गीत गोविंद संभोग श्रृंगार का काव्य है, इंद्रिय प्यार का ओछा चित्रण है, ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है, ऐसा लेखक के अनुसार कहा गया है। रस का मर्म जो नहीं जानते उनको जयदेव का गीत गोविंद अप्रत्यक्ष रूप से लेखक ने कहा है कि वह पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें संयोग श्रृंगार के इंद्रिय व्यापारों की जो सघनता दिखाई देती है वह निश्चित रूप से प्यार और स्नेह और प्रेम के स्थायित्व की से मनुष्य परिचित होगा। यहाँ पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गीत गोविंद से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ये प्रश्न रस मर्मी के मन में सहज उपरते हैं कि जब गीत गोविंद डूब कर पड़ता है तो उससे भी अधिक जब वो गीत गोविंद के अभिनय की प्रस्तुति में किसी छंद में देह में उतरते देखता है। तमाल की चैती गंदगी तरह वह एकदम बेशुद्ध हो उठता है। लेखक ने जयदेव के गीत गोविंद को संयोग श्रृंगार के स्थायित्व से को तमाल के वृक्षों के स्थाई जो छायादार घनी जो प्राकृतिक वातावरण है जो वहाँ जो बसंत के समय में उस सुगंध के नशे में प्रिया राधा और श्री कृष्ण जो जिनका स्नेह थिरकता हुआ दिखाई देता है उसको यहाँ पर लेखक ने उसके साथ जोड़ा है। इस निबंध के अंदर लेखक ने प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया है
और धीरे धीरे वे राधा और कृष्ण के प्रेममयी संसार का चित्रण करने लग जाते हैं। मानव जीवन का तथ्य प्रेम है। प्यार उसे मिलता है जो अपने मन को मथता है। कभी मन का प्रेम तेल की बूंद के समान हो जाता है, उसका निवारण करना कठिन है। इस रस को वही पा सकता है जो अहंकार को समाप्त कर देता है। लेखक के अनुसार जीवन में जो व्यक्ति संयोग श्रृंगार को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने जीवन में अहंकार, गर्व या एक प्रकार से कहें कि अहम जो है उसको यदि वह समाप्त कर दें तो निश्चित रूप से वह इस प्रेम और संयोग श्रृंगार को अच्छे तरीके से समझ पाता है। निबंध में तमाल के पत्तों का झरना और उसके साथ जीवन की सार्थकता को स्थापित करना, लेखक ने उसके साथ रागात्मक संबंधों को जोड़ना, इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी यह स्थापित करते हैं कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं है, उसे हमेशा लुटाने में होती है। मदमस्त होकर मनुष्य अपने जीवन में दूसरों के जीवन में प्रेम बहाए, रस बहाए और उसके साथ आनंद में रहे, तभी जीवन का सही सार्थकता है। जो लोग स्वार्थी बन जाते हैं वे कुछ नहीं पा सकते और रागात्मकता से युक्त वह व्यक्ति एक व्यक्ति व्यंजक बनकर रह जाता है। इस निबंध में इसी तथ्य को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तमाल के जरोखे के माध्यम से मनुष्य की जीवन की सार्थकता को निबंध के संपूर्ण पृष्ठों को मैंने यहाँ पर चित्रित किया है। आप पुनः उसको अपने टेक्स्ट बुक नहीं है जिनके पास, उसको इसके माध्यम से भी आपके द्वारा पढ़ा जा सकता है।